नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्रश्न में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? अभी एक बहुत बेहतरीन वैकेंसी लगभग एक सप्ताह या 2 सप्ताह पहले आपके लिए आई थी। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आप लोग सर इतना देर में चीजें क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बच्चों जो इससे पहले अभी तक आता था वो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC आता था। इस बार एयरपोर्ट अथॉरिटी ने क्या कर दिया है, इस बार ATC की जगह पे कॉमन कैडर कर दिया है, जिसमें 7 जगह आपकी पोस्टिंग होनी है, जिसकी डिटेल वीडियो असिस्टेंट ने आपको दी थी। और सबसे बड़ी बात थी कि इसका सिलेबस अभी तक डिफाइन नहीं था कि इसमें फिजिक्स पूछेगा या मैथ्स पूछेगा या किस लेवल का पूछेगा, तो उसको यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हुए अब जब परसों का सिलेबस आ गया है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है वो किस तरीके से होनी, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं तब तक मैं आपके सामने ये कैसे बता पाऊंगा कि कैसे करें तैयारी। तो जाहिर सी बात है AIJEE कॉमन कैडर की आपको तैयारी करना है। तो अब परीक्षा प्लस की तरफ से बहुत बेहतरीन बहुत अच्छा सेशन होने वाला है, जिसमें आपको एक ही चीजें पता चलेंगी, कौन सी किताबें आपको पढ़ना है, कौन सी क्लासेस आपको लेनी है, कौन सी सेटर सीरीज देने हैं, कितना आपको टाइम पढ़ना है, कितना टाइम नहीं पढ़ना है, पेपर का लेवल क्या होगा, कट ऑफ कितना जा सकता है, इसके अतिरिक्त बहुत सारी बातें। तो अगर आप चैनल पर नए हो और यहाँ पे AAI JEE कॉमन कैडर की तैयारी कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, सेशन पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और तमाम बातें हम लोग यहाँ पे समझते हैं। इस पूरे सेशन में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, एक बहुत अच्छी रणनीति क्या हो सकती है, तैयारी हमें कैसे करनी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो टीम परीक्षा प्लस से पहले भी जुड़े हैं ऐसे टाइप के जॉब में, जैसे आपका EMRS का GST की बात किया जाए, हॉस्टल वार्डन की बात किया जाए, क्योंकि हॉस्टल वार्डन में भी सिंपल ग्रेजुएट मांगा है, यहाँ पे भी सिंपल ग्रेजुएट मांगा है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो केवल मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GA 4 चीजें पूछी जा रही है, जो 4 चीजें आपके हर पेपर में पूछी जाती है। इससे पहले आपका SC सुप्रीम कोर्ट से आपका JCA का पेपर आया था, KVS का GST आपने दिया, NVS का GST आपने दिया। तो तमाम ऐसे जो आप पोर्टफोलियो पेपर देके आ रहे हो सिमिलर पैटर्न पे, बहुत बेहतरीन ये होने वाला है। और सबसे अच्छी बात है कि इस वैकेंसी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होगा कि इसमें जो आपकी सैलरी है वो 13 लाख CTC एनुअली आपका है, मतलब अगर आप देखोगे तो इन हैंड सैलरी सब कुछ करने के बाद 75-80 हजार, और उसके बाद सब कुछ मिला लोगे तो 90 हजार आपकी सैलरी बनती है। लगभग 90 हजार सैलरी, 1 लाख सैलरी लगभग, बहुत बड़ी सैलरी होती है, इस बात को समझिएगा। 13 लाख जा रहा है एनुअली, तो जाहिर सी बात है कि 12 महीना होता है 1 लाख के ऊपर ही आपका जा रहा है, आपके हाथ में पैसा आ रहा है। तो 1 लाख पर मंथ बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छी सैलरी है। एक सिंपल ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट कहीं से भी किए हो, मतलब अभी तक क्या होता था, AI की जो वैकेंसीज होती थी वो टेक्निकल बच्चों के लिए, खासकर जैसे बीटेक वाले बच्चों के लिए या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री किए उनके लिए बहुत अच्छा होता था, और वो थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करते थे, या जो अन्य BA करते थे, जनरल BSc करते थे, तो थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस डिमोलाइज होते थे, यार इसमें मेरा नहीं होना है, इसमें ये बच्चे बाजी मार जाएंगे। बट अभी पैटर्न इसका इतना बेहतरीन हो गया है कि वो रेपुटेटेड जो जॉब है, एक मिनी रत्ना कंपनी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि AAI क्या है, पब्लिक सेक्टर हो गया है, और एक मिनी रत्ना कंपनी बोली जाती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, भाई ये गवर्नमेंट ही है, बट PSU है, जैसे आपका DMRC, जैसे आपका LRC, जैसे आपका ये AAI है, ये भी आपका गवर्नमेंट के अंदर है, एक PSU है, मिनी रत्ना कंपनी है, बहुत अच्छी सैलरी, मतलब नाम सरकार का, काम कॉर्पोरेट वाला, और बहुत अच्छी सुख सुविधाएं, बहुत अच्छा पैसा देने वाली आपकी जॉब है। तो EMRS के बाद अब आपको कैसे तैयारी करनी है इसकी वो मैं आपको बताने वाला हूं। मैथ्स और फिजिक्स इसमें नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। कौन सी कोचिंग होनी चाहिए, किताबें कौन सी होनी चाहिए, PDF क्या होना चाहिए, सेफ स्कोर क्या होगा, और टेस्ट आपको कौन से लगाने हैं, कट ऑफ क्या जाएगा। कट ऑफ का कहने का मतलब केवल इतना है कि आपका सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए। तो आते हैं एक एक बात पे, हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। हालांकि ये जो हमारी कुछ किताबें हैं इसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, जो टीम परीक्षा का इसके लिए निकाल रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो सिलेबस है, इसका जो सिलेबस है वो हमें समझना चाहिए कि इसका सिलेबस में क्या आया है। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट को हम लोग चेक करेंगे तो कल परसों में इन्होंने बताया, और ये हमेशा ऐसा करते ही है कि पहले इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, उसके बाद इन्होंने क्या करते हैं, सिलेबस जनरेट करते हैं। इस बार क्योंकि क्या हुआ था, कॉमन कैडर हो गया था और सिंपल ग्रेजुएशन इन्होंने एलिजिबिलिटी मांग ली थी, इसलिए कहीं ना कहीं संशय था कि भाई जो बच्चा BA किया है वो मैथ्स और फिजिक्स वाला पार्ट कैसे कर पाएगा, इस कारण से पैटर्न बदलना था। और पैटर्न में इन्होंने क्या कर दिया है, पैटर्न में इन्होंने सिंपल मैथ्स रख दिया है, जनरली मैथ्स जो आपकी SSC वाली मैथ्स होती है वो मैथ्स है, जनरल आपका इंग्लिश है,
उसके बाद आपका जीएस एंड जीए बोल दो, इसी में करंट अफेयर्स बोल दो, ये वाला पार्ट है। और चौथा पार्ट जो आपका है ये रीजनिंग का पार्ट है। और देखा जाए तो एक एसएससी वाला आपका सिलेबस है, लेकिन जो इसकी मार्किंग स्कीम है वो आपका 45-45 और आपका क्या है 35-35 करके दिया हुआ है, 40-40, 35-35, 35-35, 70 और 40-40, 80। टोटल आपका कितना है, टोटल आपका 150 क्वेश्चन कितना है, 150 क्वेश्चन आपका पेपर आएगा और जीरो निगेटिव, मतलब निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, एक बार हम लोग देख लेते हैं कि एआई ने जो अपना सिलेबस दिया है इस सिलेबस में उन्होंने बताया क्या है। तो एआई की वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो उन्होंने देखो सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर अंडर एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2023 का तीसरा एडवर्टीजमेंट है। इसे आप डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो पीडीएफ आएगी, तो पीडीएफ में मैं दिखा दे रहा हूं, ये पीडीएफ आएगी और उसमें लिखा हुआ है सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर। अब सबसे बड़ी बात है कि जब भी हमें अपनी तैयारी स्टार्ट करनी होती है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक सिलेबस बहुत बेहतरीन होना चाहिए। सिलेबस की अगर बात किया जाए तो इसमें जैसे मैंने बोला कि रीजनिंग है तो रीजनिंग 40 क्वेश्चन, ऐसे जनरल अवेयरनेस 35 क्वेश्चन, ऐसा ही इंग्लिश कंप्रेंशन है 35 क्वेश्चन, सिमिलरली क्वांट है आपका 40। मतलब मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपका मैथ्स का पार्ट देखा जाए और आपका रीजनिंग का पार्ट देखा जाए तो 40-40 है, और आपका जीएम जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट देखा जाए और इंग्लिश वाला पार्ट देखा जाए तो 35 क्वेश्चन है। एक बात ध्यान देना कि इसमें रीजनिंग में शायद ही कोई ऐसे टॉपिक है जो उन्होंने छोड़ा होगा, इवन उन्होंने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और जोड़ दिया है, और वो दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है वो भी मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। एक है इमोशनल इंटेलिजेंस और एक क्या है सोशल इंटेलिजेंस, ये टॉपिक इन्होंने रीजनिंग में जोड़ा है। ऐसे जनरल अवेयरनेस में देखोगे तो इन्होंने एनवायरमेंट के हिसाब से, फिर आपका हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जनरल पॉलिसी इन्होंने बोला एंड साइंटिफिक रिसर्च मतलब कि साइंस। तो ये जीए मतलब कन्वेंशनल जीएस का पार्ट जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स होता है, उसके बाद करंट के टॉपिक, उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस होता है, तीनों मिक्स करके बहुत बेहतरीन पेपर बनाने वाले हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी तक इनका जो पेपर करवाता था वो टीसीएस करवाता था, लेकिन इस बार जो पेपर करवाएगा वो आईबीपीएस करवाएगा। और जैसे ही आईबीपीएस का नाम हमारे दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में सबसे पहले जो क्वेश्चन पेपर आता है वो बैंक पीओ का आता है। बट ध्यान दीजिए, आईबीपीएस एक संस्था है जो पेपर कंडक्ट कराती है, आईबीपीएस ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पेपर एक ही पैटर्न पे बनाती है। जो बैंक से हटके एग्जाम होते हैं उनके भी कई सारे एग्जाम को आईबीपीएस करवाती आई है, और इनके पेपर क्या होते हैं, इनके पेपर ऐसे इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, इनके पेपर टफ नहीं होते हैं। बैंकिंग पैटर्न अलग होता है क्योंकि वहां पे क्वांट सेक्शन में केवल आपका डीआई एनालिसिस होता है, आपका जनरल अवेयरनेस सेक्शन में आपका इकोनॉमिक्स और बैंकिंग अवेयरनेस होता है, रीजनिंग सेक्शन में उनकी रीजनिंग ज्यादा आर्गुमेंट बेस्ड होती है, और केवल तीन पार्ट होता है उनके में, चार पार्ट नहीं होता है, इंग्लिश रीजनिंग और ऐसे करके वो लोग पूछते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। खासकर प्रीलिम्स और मेंस में चार पार्ट करते हैं, इसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस में सिंगल पेपर है, सिंगल स्टेज आपको पेपर देना है, इसके बाद आपके डीवी देने हैं अलग अलग। और कॉमन कैडर की बात किया जाए, कॉमन कैडर में अगर आप फायर सेफ्टी वाले में नहीं जाते हो तो आपको केवल डीवी कराना है, बाकी कुछ भी नहीं करवाना है। फायर वालों के लिए थोड़ा सा फिजिकल वहां पे पीईटी टेस्ट भी होना है, वो आपको अलग से वीडियो में बता दिया गया है। तो अल्टीमेटली सिंगल पेपर देके आपको क्या करना है, सिंगल पेपर देके आपको यहाँ पे एग्जाम निकालना है। अब आप समझो, दो तो ये हो गए, फिर इंग्लिश में इन्होंने वोकैब्स, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, सिंटोनिम्स, उसके बाद स्पॉट एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्शन, एक्टिव पैसिव नरेशन भी दिया है, कन्वर्जन ऑफ, उसके बाद सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट भी दिया है, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज भी दिया है, क्लोज टेस्ट भी दिया है, उसके बाद कंप्रेंशन भी, ये तीन पूछेंगे। क्या बोले, टू टेस्ट द कंप्रेंशन पैराग्राफ विल बी given and question based on those will be asked, at least one paragraph should be based on a book or a story, एक पैसेज किसी सिंपल किताब या स्टोरी पे होगी, और दो पैराग्राफ क्या होगा, शुड बी ऑन द करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन द रिपोर्ट और एन एडिटोरियल। तो आप लोग एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर आपको इंग्लिश में ये कंप्रेहेंशन वाला पार्ट अच्छे से करना है। मतलब 35 क्वेश्चन में आपके तीन कंप्रेहेंशन होंगे, एक कंप्रेहेंशन 5 क्वेश्चन का होगा, तो आप बोल सकते हो कि इंग्लिश के पार्ट में 15 आपका कंप्रेहेंशन होगा, बाकी बचा 20 आपका जो ग्रामर और वोकैब होगा, उस 20 में भी कम से कम 12-13 आपका वोकैब पोर्शन होगा, 7-8 आपकी ग्रामर होगी। फॉर इंग्लिश आपको किस पे ज्यादा वर्क करना है, वोकैब पे, क्योंकि वोकैब ज्यादा अच्छा होगा तो कंप्रेहेंशन ज्यादा अच्छा होगा, इंग्लिश आपकी बूस्ट हो जाएगी तो बाकी पार्ट भी आपका अच्छा हो जाएगा। क्वांट की बात करें तो क्वांट में इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक,
ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, चार पोर्शन को उन्होंने कवर किया, पांचवा है एलजेब्रा। एलजेब्रा में ये सिंपल एलजेब्रा दिए हैं, जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पे एलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल एलजेब्रा एंड एलिमेंट्री सेट, और ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, केवल ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तक गए हैं। इसके आगे क्वाड्रेटिक वगैरह ये नहीं पूछेंगे, एलजेब्रा में ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर हम लोग किसकी बात करें, हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्री की बात करें तो ट्रायंगल के बारे में पूछेंगे और सर्कल के बारे में पूछेंगे, कि वो दो फिगर इन्होंने मेंशन किया है तो दो ही ये पूछेंगे, अलग नहीं पूछेंगे। लेकिन उसके बारे में फिर कुछ छोड़ेंगे भी नहीं, इवन कॉमन टेंजेंट टू और मोर सर्कल्स के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। फिर क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगोन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये 3D फिगर में आ गए। स्फीयर, हेमिस्फीयर, रेक्टेंगुलर पॉलीगोन, राइट सर्कुलर पिरामिड विद ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, डिग्री एंड रेडियल मेजर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद आपका ये डीआई वाला पार्ट जिसमें हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। यानी अगर इसकी आप ब्रीफिंग कर लिए, अगर आप ये देख लिए होगे, तो एक बार मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि किस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार पोर्शन है आपके पास, है ना, आपके पास चार पोर्शन है मैथ्स। मैथ्स में अगर आप बात करोगे तो मैथ्स में एक आपका नंबर सिस्टम है, एक आपका नंबर सिस्टम है, दूसरा आपका अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक में कुछ भी नहीं छूटा है, जो भी है सब कुछ है, तीसरा आपका कंप्लीट ज्योमेट्री है, चौथा आपका कंप्लीट मेंसुरेशन है, और पांचवा आपका कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री है, छठवां आपका क्या है, छठवां आपका एलजेब्रा है जिसमें आपका क्वाड्रेटिक छूटा हुआ है, और उसके बाद आपका क्या है, डीआई पोर्शन है। ये मैथ से मतलब एक वास्ट सिलेबस है जिसे आपको कवर करना है। इंग्लिश में इन्होंने क्या किया है, इंग्लिश में अगर आप लोग ध्यान देने थोड़ा सा, तो इंग्लिश में हमने तीन पोर्शन को तोड़ा है, वो कैप पोर्शन जो मेरा अनुमान है कम से कम 12 प्लस क्वेश्चन आएगा, उसके बाद इन्होंने क्या किया है पैसेज, पैसेज से 15 क्वेश्चन आएगा, तीन पैसेज होंगे, और उसके बाद ग्रामर पोर्शन जिसमें से लगभग 8 क्वेश्चन आएगा। तो ये इनका क्या है पैटर्न इंग्लिश का। जीएस, जीए और करंट अफेयर्स तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में मतलब अगर हम बात करें तो जो स्टैटिक जीके होता है, मतलब की कौन सा बड़ा, कौन सा छोटा, कौन सा लंबा, ये वाले क्वेश्चन होते हैं। जीएस में पारंपरिक होते हैं, जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, और आपका करंट अफेयर्स में तो करंट होता ही है। इनमें लगभग अगर देखा जाए 35 क्वेश्चन है, तो ऑन एवरेज आप लेके चलोगे यहाँ पे मतलब 12-12 क्वेश्चन, लगभग 11-12 क्वेश्चन तीनों में पूछा जाएगा। रीजनिंग में भी इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, दो टॉपिक और भी, इतना वास्ट टॉपिक, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की बात किया जाए तो वो टॉपिक और कुछ नहीं है, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट की टॉपिक है, कि आपको स्टेटमेंट और आर्गुमेंट किस भी हाथ पे आपको पूछा जाएगा, क्लियर है, वो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है जिसको मैं आपको अलग से एक्सप्लोर करके बता दूंगा। अब अगर आपको इतनी बात समझ में आ जाती है तो इसका मतलब आपको पैटर्न समझ में आ गया है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमें ये हम कहां से पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है, दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि कितना हम एग्जाम में करके आए कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, तीसरा आता है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज क्या होंगे। सबसे पहले बात व्हाट टू रीड, क्या आपको पढ़ना क्या है, ये आपके दिमाग में आता है। दूसरी बात आती है कहां से, फ्रॉम हियर, कहां से पढ़ना है, रिसोर्सेस आपके पास क्या होनी चाहिए, रिसोर्सेस ऑथेंटिक है कि पता लगे कोई भी केवल कवर चेंज करके और आपको मार्केट में उतार दिया कि हाँ भैया लो एआई की नौकरी आई है, वैकेंसी आई है, हमने किताब निकाल दिया, लो पढ़ लो बस इसी से आ जाएगा, तो आप ऐसे बेकार में बताओ। कहां रिसोर्सेस आपके लिए क्या होने चाहिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरी बात आपका जो टारगेट होना चाहिए, आप कितने तक ले आओ जो सेफ स्कोर है ताकि आप ये सिलेक्शन पा लो, तो इन तीनों बिंदुओं पे हम लोग बात करते हैं। देखो सबसे पहले टारगेट की बात करेंगे, टारगेट की बात अगर करते हैं तो सेफ स्कोर, क्योंकि यहाँ पे लगभग 237 पद है मेरे, है ना, टोटल अगर आप देखोगे तो कॉमन कैडर में, जेईई की कॉमन कैडर की बात कर रहा हूँ, 237 पद अप्रॉक्स में है। इनके से एक बार फिगर मेरे दिमाग से स्किप हो रहा होगा तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, लगभग 237 के आसपास का ही फिगर है ये जो मेरे दिमाग में है। अब सबसे बड़ी बात है जब 200 प्लस आपके पास वैकेंसीज है और ऑल ओवर इंडिया लेवल का है, मांगा आपसे सिंपल ग्रेजुएट है, कुछ चीजों को आप समझते हुए चलना, ठीक है, सिंपल आपसे क्या मांगा है, सिंपल आपसे ग्रेजुएट मांगा हुआ है। अब ग्रेजुएट मतलब होगा जो बीए किया हुआ है वो भी भरेगा, जो बीएससी किया हुआ वो भी भरेगा, जो बीटेक किया हुआ है वो भी भरेगा, और जो कोई अन्य प्रोफेशनल डिग्री लिया हुआ है वो भी भरेगा, मतलब वो ग्रेजुएट हो, और ग्रेजुएट के अगर ऊपर होगा तो भी भरेगा। बात समझ में आ रही है, तो कहने का मतलब सारे प्रोफेशनल, इन प्रोफेशनल सारे डिग्री वाले फॉर्म भरेंगे, ऑल ओवर इंडिया है तो फॉर्म के संख्या भी ज्यादा ही आएगी, ये भी समझते हुए चलना। एजेस का भी रिलैक्सेशन ठीक ठाक दिया हुआ है, और जो जनरल इस कॉमन कैडर के लिए 18 से 27 मिनिमम कुछ नहीं दिया हुआ, मैक्सिमम जो 27 दिया हुआ है तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे एलिजिबल हो जाते हैं। तो अगर एक अनुमान लिखा जाए, लेके चला जाए, तो 5 से 6 लाख फॉर्म कम से कम इसमें आएंगे, अगर इसके इसकी वैल्यू को देखा जाए, इसके पेपर के लेवल को देखा जाए, इसके पैटर्न को देखा जाए, जागरूकता को देखा जाए,
5 से 6 लाख आपके फॉर्म आने वाले हैं। और इस 5 से 6 लाख फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो 5 से 6 लाख फॉर्म में जाहिर सी बात है कि आपके पास केवल 200+ वैकेंसीज हैं, आपके पास एक सीट पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन है, तो टारगेट आपका हाई जाएगा। टारगेट इतना मान के चलिए कि 70 से 75% स्कोर कम से कम मिनिमम एक मॉडरेट लेवल का पेपर होगा। अगर इससे नीचे आपका नंबर आता है तो इसका मतलब सिलेक्शन नहीं होना है, इस बात को भी समझिएगा। बहुत सारे बच्चों को बुरा लग जाता है यहाँ पे कि अरे सर ये इतना आसान थोड़ी है। दूसरी बात बता दूं कि यहाँ पे नॉन निगेटिव है, निगेटिव नहीं है, तो शायद मेरा ये कहना 70 से 75% भी कम हो जाए। अगर ज्यादा बेटर होगा, आप अपनी तैयारी अच्छी लेके चलने जा रहे हो, तो 75 से 80% का टारगेट लेके चलो नॉन निगेटिव पेपर में। मतलब कि अगर 150 क्वेश्चन की बात करें, 150 क्वेश्चन में आपको कम से कम 115 से 120 क्वेश्चन, 150 में से आपको 115 out of 120+ इतना आपको स्कोर करना होगा सही सही, तब आप जाके ये मान सकते हो कि आपका सिलेक्शन के नजदीक आए हो, अन्यथा नहीं आए हो। कुछ बच्चे बोलते हैं इतना आसान नहीं होता सर कि आपने कुछ भी बोल दिया नहीं आए, तो एक चीज समझना बेटा कि अगर आपको ये मजाक लग रहा होगा, आसान नहीं लग रहा होगा, तो आप इस वैकेंसी के लिए हो भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लगातार जितने भी एग्जाम हुए हैं, हमने केवीएस जैसे का सिलेक्शन करवाया है, हमने एनबीएस जैसे में करवाया है, हमने सुप्रीम कोर्ट जेसी में करवाया है, सब में 200-250 पत्ते और सब में 75% 80% 85% कट ऑफ था, ऑल ओवर इंडिया लेवल का था, सेम पैटर्न था, सेम लेवल था, उस आधार पे बताया जा रहा है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि इस टारगेट के लिए पढ़ना क्या है, आपके पास रिसोर्सेस क्या होना चाहिए, रिसोर्सेस। अब एक चीज समझोगे, मैं भाई एक संस्था हूं और उसी संस्था से कोई पहला प्रश्न पूछे कि सर आप किसको सजेस्ट करोगे, तो नो डाउट मैं बोलूंगा मेरी संस्था से पढ़ो, क्यों, क्योंकि मैं मेरी संस्था है। बट नहीं, यहाँ पे बहुत कैंडिड सा मेरा आंसर ये है कि रिसोर्स आपके लिए वो अच्छा है जिसपे आपका ट्रस्ट हो, इधर यू और एनीबडी एल्स। रिसोर्स वो अच्छा है जो आपके सारे सिलेबस को कवर करे, रिसोर्स आपका वो अच्छा है जो आपके इस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड हो। बहुत सारे मैंने पब्लिकेशन को देखा है, बहुत सारे मैंने संस्थाओं को देखा है, किसी भी कोर्स को चला रहे होते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि वो सीधा कवर बदले, और कवर बदलने के बाद क्या कर देते हैं सीधा कि ये भैया नई वैकेंसी आई, नई किताब हमने लॉन्च कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसे में आपका सिलेक्शन वो कैसे करा पाएंगे जब आपका ये ही नहीं होगा। तो रिसोर्सेज आपके पास क्या होने चाहिए, रिसोर्सेज आपके पास ऑथेंटिक होने चाहिए, सिलेबस को कवर करते हुए होने चाहिए, और जिस पर आपको ट्रस्ट है उसके होने चाहिए। और आपको देखो दूध पीते बच्चे नहीं हो यार, कि आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि आपका रिसोर्स कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है। तो आपको कल को मार्केट में कोई आता है और मार्केट में बोलता है कि नहीं भैया हमने नई किताब निकाली, तो आप उस पर ट्रस्ट बिल्कुल मत करिए। रिसोर्सेज में आता क्या क्या है इसको हम दिखा देते हैं। एक तो आपका क्या है, एक तो आपका बुक्स है, दूसरा आपकी बात किया जाए तो आपकी क्लासेस है, तीसरी अगर बात किया जाए बुक्स में ही आप लोग कई बार फिजिकल बुक कई बार पीडीएफ दोनों की ही बात कर लेते हैं, हम दोनों को एक बार समग्र रूप से ले लेते हैं, होलिस्टिक वे में इसे देखते हैं। बुक्स हो गया, क्लासेस हो गया, टेस्ट हो गया, ये तीन चीजें हम लोग रिसोर्सेज मान के चलते हैं। क्लासेस में क्या है, क्लासेस में क्योंकि आपका पहले वाला पैटर्न है, मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने इसका बैच चला भी दिया था जैसे इसकी वैकेंसी आई थी, और ताबड़तोड़ फिजिक्स और मैथ्स ताबड़तोड़ पढ़ाए जा रहे, एटीसी वाला पढ़ाए जा रहे, बट आपने कभी भी परीक्षा प्लस पे एक भी वीडियो इस पे पढ़ाते हुए देखे होंगे तो आप यहाँ पे मुझे बोल सकते हो। तो रिसोर्सेज आपके पास बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, किताब चाहे क्लास हो चाहे टेस्ट हो। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि परीक्षा प्लस एक ऐसी संस्था है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो। हमारे सारे बच्चे जो अभी तक ट्रस्ट करते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनसे एक बार फीडबैक भी ले भी सकते हो। दूसरी बात अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बुक्स की, बुक्स आपको वो लेना है जो सिलेबस आपका कवर है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका पेपर कब होगा, तो पेपर कब होगा उसके लिए मैं आपको बता दूं, पेपर इसका कब होगा उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कम से कम 4-5 महीने का समय आपको मिलने वाला है। मतलब अभी आपका पेपर होगा, अभी आपका फॉर्म भरा जा रहा है, अगले महीने तक फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद कम से कम आपको 45 से 60 दिन का समय मिलेगा। तो 3 महीना आपके पास है मिनिमम तैयारी करने का, इससे ज्यादा भी आपको समय मिल सकता है। और इतने में आपको 4 पार्ट कवर करना है, किताबें जो भी हो आप ले सकते हो। दूसरी बात है क्लासेस, क्लासेस में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग, ज्यादा लोग तो इसको अवेलेबल करा ही नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप ये परीक्षा प्लस से जुड़ते हो, परीक्षा प्लस इसका डेडिकेटेड बैच निकाला है, मैं एक बार दिखा देता हूँ उस बैच की आपको खासियत क्या है, ताकि आप अलग से भी देख सकते हो। जहां पर आप पहली बात तो ऐसे ब्लाइंड फॉलो करके कहीं भी मत लो, यहाँ पे भी मत लो, मैं तो बहुत स्ट्रिक्टली बोलूंगा, है ना, ब्लाइंड फॉलो करके आपको यहाँ पे भी नहीं लेना है, बहुत अच्छे से समझ के करना है।
आप जाओगे तो परीक्षा प्लस ऐप, गूगल प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो, और परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको सबसे पहले AIJEE का कोर्स मिलेगा। इसमें आपको देखो क्या क्या मिल रहा है, लाइव क्लासेस, मैंने देखा कि बहुत सारी संस्थाएं इसमें लाइव क्लासेस दे ही नहीं रहे हैं, सीधा बोल रहे रिकॉर्डेड क्लासेस। भाई से पूरा पैटर्न बदल गया है, नया पैटर्न है, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस से कैसे बच्चों को कवर करवा दोगे? ठीक है, आप बोलते हो कि नहीं ठीक है हम कॉन्सेप्ट का रिकॉर्डेड देते हैं, हम डिस्कशन लाइव करते हैं, तो ऐसे तो हम हर संडे को डिस्कशन लेके चले जाते हैं लाइव कराने के लिए, फिर हम तो रिकॉर्डेड जितना पुराना वीडियो सब आपको उठा के दे दें, ऐसा नहीं है। इसमें सारी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव के साथ साथ आप उनका रिकॉर्डेड फॉर्म भी देख सकते हो। स्टडी मटेरियल, जितने भी स्टडी मटेरियल की बात किया जाए तो मैंने आपको जैसे दिखाया, इसका मैं आपको डेमो भी दिखा दे रहा हूँ, ये है जो इस पे कंटेंट तैयार हो रहा है, एग्जैक्टली जिस 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 बिहाव पे आपका पेपर पैटर्न बनना है उसी आधार पे आपका पूरा, चाहे आप गूगल को देख लो। अच्छा, ये जो आपका पेपर होगा ये भी बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में पूछा जाएगा, और जो आपका कोर्स है वो भी बाइलिंगुअल होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये अगर आप यहां पे देखते हो, शुरू से मैं आपको दिखा दूं, एक बार आप शुरू से ही इसका पूरा का पूरा डेमो देख लोगे, तो ये जैसे इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो इकोनॉमिक्स की पूरा ऐसे आपके नोट्स है जो प्रिंटेबल फॉर्म में है, सारी की सारी चीजें, वो चाहे इकोनॉमिक्स की बात हो, चाहे पॉलिटी की बात हो, चाहे हिस्ट्री की बात हो, चाहे ज्योग्राफी की बात हो, सारे के सारे ही पार्ट उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके कवर कराए जा रहे हैं, चाहे मैथ्स की बात हो, चाहे रीजनिंग की बात हो, हर पोर्शन। तो आप कहां, आपको करना कुछ नहीं है, आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे, आप यहाँ पे डेमो की वीडियो फ्री में लगी हुई है, आप पहले ये पीडीएफ देख लो, आपको ये पता चल जाए कि हाँ भाई जो हमें कंटेंट दिया जाएगा वो हमारे लिए सही है, ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, हम इससे कवर कर पाएंगे कि नहीं कवर कर पाएंगे। जैसे ज्योमेट्री पूछा जाएगा तो ये ज्योमेट्री का पूरा एक एक चीज आपको दिया गया है, और ये थ्योरी थ्योरी के साथ साथ आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट दिया जाता है, क्लासेस तो अलग से चलती ही चलती है। ये डेमो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं पूरी आपको इस वीडियो में डेमो नहीं दिखा रहा हूं, या परीक्षा प्लस आप डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको अच्छे से दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात है कि एक चीज और मैंने देखा है कि भाई कोर्स जो आप कहीं से ले रहे हो उस कितना रिलेवेंट है, रिसोर्स उनके कैसे हैं ये आपको पता चल गया। तीसरी बात ये है कि उनकी प्राइस, मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग, पहली बात तो बहुत कम लोग चला रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें हाथ डालना नहीं चाहते, उसके पीछे भी मैं कारण आपको बता दूं, वैकेंसी है केवल 200, और 200 वैकेंसी है, यहाँ पे दिमाग में मार्केट में मैसेज ये जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होंगे नहीं, तो इस कोर्स को जो बड़े बड़ी संस्थाएं होती हैं ये बोलती है कि हम इस कोर्स को नहीं चलाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे अट्रैक्ट नहीं होंगे, तो हम इसमें प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, हम लाभ नहीं कमा पाएंगे, मतलब एजुकेशन को जो कॉर्पोरेट बना के रखते हैं उनकी बात कर रहे हो। बट कभी भी आपने देखा होगा परीक्षा प्लस चाहे 100 की वैकेंसी हो चाहे 200 की वैकेंसी हो, खासकर अगर ऐसी वैकेंसी जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कह रहे हैं ठीक है भाई बच्चों का हित तो वो करवाइए, बट छोटे छोटे जो वैकेंसीज होती है जो कोई हाथ नहीं डालता, हमेशा परीक्षा प्लस उसको फेवर में लेके आता है, और यही कारण है सबसे ज्यादा सिलेक्शन भी परीक्षा प्लस ऐसे सारे कोर्सेज में करवाता है, क्योंकि बहुत ही शिद्दत बहुत ही ईमानदारी के साथ करवाता है। इसकी फीस भी देखोगे तो मात्र 677 प्लस GST है, मतलब 72% केवल जो ओरिजिनल फीस है उस पर ऑफ चल रहा है, और इसके अतिरिक्त मैं बता दूं कि हमारे जितने भी ऐसे पुराने बच्चे हैं, वो चाहे KBS JSP के स्टूडेंट हो, वो चाहे MBS JSP के स्टूडेंट हो, वो चाहे आपके UPPC से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के स्टूडेंट हो, वो चाहे EMRS के स्टूडेंट हो हमारे, या फिर वो हमारे सुप्रीम कोर्ट JCA, ये सारे ही जितना मैंने नाम लिया है ये सारे ऐसे कोर्स हैं जिसमें ऑल ओवर इंडिया सबसे बड़ा बैच परीक्षा प्लस के पास था, सबसे बड़ा जो सिलेक्शन दिया है परीक्षा प्लस ने दिया है, और मैं फिर इन बैच के सारे बच्चों को एक बार, जो बच्चे इन वैकेंसीज में रह गए हैं उनको फिर से यहां पे वेलकम करता हूं कि आइए इस कोर्स में जुड़िए, और उन बच्चों के लिए इस प्राइस पे भी 50% ऑफ मेथड दूंगा। 50% ऑफ मतलब कि आप अपना पुराना पेमेंट स्लिप आप हमारी टीम को देंगे, जो हमारे नंबर होते हैं, या फिर आपके जो ग्रुप थे या आपके जो कोर्स थे उस पर आपको कोड दे दिया जाएगा, सीधा आप वो कोड लगाओगे, कूपन कोड दे दिया जाएगा, वो कूपन कोड आपका जो 799 रुपए दिखा रहा है, 677 प्लस GST 799 दिखा रहा है, इस पर 50% ऑफ होकर सीधा 350 रुपए हो जाएगा, 350 से 400 रुपए हो जाएगा, 800 का 50% लगभग, तो 400 रुपए में आप ये पूरा का पूरा बैच फिर से आप लाइव करा सकते हो, पूरा का पूरा बैच दोबारा नए सिरे से नई एनर्जी के साथ नए कंटेंट के साथ आपको इसके 50%। और अब मैं बता दूं कि आप जाके किसी भी संस्था का देखिएगा, कोई फीस 1500 रखा है, कोई 2000 रखा है, कोई 3000 रखा है, कोई 5000 तक रखा है, मुझे नहीं समझ में आता है कि भाई एक ही कोर्स से सारे बच्चों से कमा लेना चाह रहे हो, या फिर
कुछ और भी सोच रहे हो, तो ये है आपको सब कुछ मिल जाएगा इसमें डेली धीरे धीरे करके सारी चीजें मिल जाएंगी। आप साइन अप करोगे, लॉग इन करोगे, इसे आप बाइन आउट करोगे तो आपका कोर्स जुड़ जाएगा। हालांकि कोर्स के बारे में मेरा बताना इतना मकसद नहीं रहता है इस वीडियो में, मेरा मकसद था कि आपको तैयारी कैसे करनी हो, तैयारी कैसे करनी है, आपको एक अच्छा रिसोर्स, एक अच्छी किताबें, अच्छे टेस्ट। अब सबसे बड़ी बात है कि 3 महीने 4 महीने आपके पास समय मिलने वाले, आपके टाइम टेबल ये होना चाहिए कि भाई 2 महीने 2.5 महीने में आपको कोर्स कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको रिवीजन मोड में आना है, और साथ में पहले आपको टॉपिक टेस्ट करना है, सेक्शनल टेस्ट करना है, फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट करना है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, नॉन निगेटिव है, बहुत बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से आपको क्या चाहिए इस पर प्रैक्टिस चाहिए। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही बेहतरीन आपका ये हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको सेशन कहीं ना कहीं एक जो कॉन्फिडेंस बूस्ट आपका किया हुआ कि नहीं भाई हम कर सकते हैं। और मैं उन सारे बच्चों को ये बोलना चाह रहा हूं कि जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि नहीं भाई एआई से हमारा जेई जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का कॉमन कैटेगरी का एग्जाम है ये नहीं कर सकते हैं, तो वो कर सकते हो। पेपर आईबीपीएस करा रहा है, इसका मतलब नहीं कि पीओ लेवल का पेपर होगा, पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का होगा। फॉर्म भरो, बाद में पछताने के लिए मत छोड़ो, अपनी तैयारी स्टार्ट करो, जितना मिनिमम हो सकता था मैंने आपके लिए कर दिया है। अब आपको थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी समझ के तैयारी के लिए आगे बढ़ना है। और अगर इतने में इतना, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, अभी आप कमेंट बॉक्स भी देखोगे ना इस वीडियो के, तो उसमें भी ये क्वेश्चन भरा रहेगा, उसका उत्तर मैं पहले ही दे दे रहा हूं। क्या बच्चे पूछते क्या सर मैं आपके कोर्स पे 100% रिलायबल है, क्या आपके कोर्स पे अगर मैं 100% फॉलो कर लूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? मैं बोलूंगा नहीं, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि केवल अगर आप ये सोचो कि आप कोर्स से जुड़ जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए, नहीं। हाँ, बस इतना लेकिन बोलूंगा कि अगर मैं जितना आपको पढ़ा दे रहा हूं, जितना मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हूं, उतना आप भी मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। मात्र कोर्स परचेज करने से आप सोचो सिलेक्शन हो जाए तो सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या सर आपका कोर्स ही कंप्लीट सफिशियंट रहेगा या बाहर से भी कुछ लेना पड़ेगा? तो भाई निश्चिंत रहो कि जब भी इसमें कुछ भी बाहर से आपको आउटसोर्सिंग होगी तो आपको खोजने में समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं कि हमें क्या पढ़ना है। पूरी टीम आपके लिए वो सारा ही कंटेंट जो भी एक्स्ट्रा आपके लिए हो सकता है वो सब कुछ आपके कोर्स में इंक्लूड कर दी जाएगी, तो भी हमारे ट्रेडमार्क में नहीं, दूसरे के ट्रेडमार्क में, लेकिन आप जो भी जरूरी है पर वो आपकी भलाई के लिए, हम अपनी ब्रांडिंग की वैल्यू नहीं करते वहां पे। तो नो डाउट आपके कोर्स में रहकर आपका सिलेक्शन यहाँ पे 100% मैं इतना गारंटी दे सकता हूं कि अगर हमें फॉलो कर लोगे तो कोई नहीं रोक पाएगा। बाकी केवल कोर्स खरीद लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। टू बी कैंडिडेट जो हमेशा सत्य होता है वो मैं बोलता हूं। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो सेशन को लाइक अवश्य करिएगा, नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और अगर कोर्स से जुड़ना चाहे तो आप परीक्षा प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट liveparikshaplus.org इस पर जा सकते हैं, parikshaplus.org, या फिर आप हमारे नंबर पे 9450006007 इस पे कॉल कर सकते हैं, या 9129697080 इस पे कॉल कर सकते हैं। इनमें से किसी पे भी कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको कोर्स की सहूलियत दे दी जाएगी। बाकी जो पुराने बैच के बच्चे नंबर पे कांटेक्ट कर लें, उनके ग्रुप में भी कूपन कोड दे दिया जाएगा, उनके ऐप पे भी कूपन कोड दे दिया जाएगा, ताकि और आप अगर पेमेंट स्लिप देते हो तो भी आपका यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, 50% डिस्काउंट का कूपन आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।